इंडियन रेलवे ने कोरोना काल के सामान्य होने के बाद ट्रेनों के नियमित संचालन शुरू करने की तैयारी कर दी है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव के साथ ही रूट भी चेंज किए जाएंगे। ऐसा करीब 50 ट्रेनों की लिस्ट तैयार है। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से मिले प्रस्तावों के बाद ये फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग राजेश कुमार ने रूट बदलने की यह आदेश सभी जोनल मुख्यालयों को जारी कर दिए हैं। रेलवे ने जिन ट्रेनों का रूट उनमें वाराणसी से जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस सुल्तानपुर की जगह अब वाराणसी प्रतापगढ़ रायबरेली होकर चलेगी। हावड़ा देहरादून दून एक्सप्रेस गंगा सतलज एक्सप्रेस फैजाबाद की जगह अब रायबरेली होकर गुजरेगी। बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस रायबरेली ऊंचाहार फाफामऊ होकर गुजरेगी। जयनगर से अमृतसर जाने वाली शहीद और सरयू यमुना एक्सप्रेस मुरादाबाद दिल्ली की जगह अब सहारनपुर अम्बाला होकर चलाने की तैयारी है। इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस भोपाल की जगह अब संत हरदाराम नगर होकर चलेगी। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस कटिहार खगड़िया रुसेरा घाट होकर गुजरेगी। यह ट्रेन पूर्णिया सहरसा स्टेशन पर नहीं रुकेगी। भारतीय रेलवे अब मिशन 160 में तेजी लाएगा। रेलवे की योजना है कि दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाए। फिलहाल ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हिसाब से मात्र 12 घंटे में यात्री दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड को हर हफ्ते मीटिंग कर प्रोग्रेस देने को कहा है। तो दोस्तों यहां पर रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा वैसे ही 50 ट्रेनों को रूट बदल कर चलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रेलवे तैयारी कर रहा है कि ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन सी ट्रेन से सफर करने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके उस ट्रेन का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।